नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर संडे स्पेशल में पढ़ने वाले हैं छंद और छंद से संबंधित हम लोग 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे और उनका विस्तार भी देखेंगे देखिए यहाँ पर छंद पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि लघु क्या मात्रा कौन सी होती है गुरु मात्रा क्या होती है अगर इनको हमने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको डेली रात नौ बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है और आपको संडे स्पेशल में आपके कमेंट के अनुसार यहाँ पर वीडियो भी बनाए जाते हैं ठीक है ना तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पर कह रहा आपसे लघु एवं गुरु सबसे पहले हमको लघु और गुरु का अगर ज्ञान हो जाता है तो हम आसानी से हम किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं अब लघु और गुरु होते क्या है इसको समझ लीजिए कि छंद शास्त्र में ये दो वर्णों के भेद हैं लघु को जो आपका हस्व है हस्व को लघु वर्ण एवं दीर्घ को गुरु वर्ण कहा जाता है जो हस्व अक्षर का जो चिन्ह होता है आपका सिंगल होता है और जबकि यहाँ पर दीर्घ क्या होता है आपका यह होता है जो कि आप जानते हैं यहाँ पर लघु के अंतर्गत जो मात्राएं होती हैं जो आपकी सिंगल मात्रा होती है किसकी तो छोटा छोटी आपका छोटा छोटाऊ और आपकी चंदबिंदी जो ये चंदबिंदी होती है इसकी भी मतलब क्या होता है एक ही होता है ठीक है इनकी जो हम लोग गिनते हैं वो सिर्फ एक गिनते हैं जो गुरु गिनते हैं तो गुरु की आपकी कितनी होती है डबल होती है मतलब इस प्रकार से बड़ा बड़ी बड़ाऊ और आपका जो ऋषि होता है ये भी आपका डबल होता है ए ए ओ आपका जो अंग की बिंदी होती है जो अनुसर बोलते हैं वो भी आपका और जो विसर्ग होता है वो भी आपका डबल ही होते हैं ठीक है साथ में जो संयुक्त वर्ण होते हैं संयुक्त वर्ण होते हैं उनके पूर्व आपका जो होता है वो लघु वर्ण भी आपका गुरु हो जाता है याद रखिए मान लीजिए कि आपका अच्छा बना है तो इसके पहले कोई भी वर्ड बना है वो भी आपका क्या हो जाएगा वो आपका दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं ठीक है तो आई होप आपको लघु और गुरु थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट में ज़्यादा समय वेस्ट ना हो इसलिए हम यहाँ पर मात्रा ऑलरेडी पहले आपको लगा दिया है बस आपको यहाँ पर मात्राएँ गिनना है और इसके बाद तुरंत आंसर आपको बताना है ठीक है कह खैर आपसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक चरण आपका यह हो गया जय कपीश त्यू लोक उजागर दूसरा चरण आपका यह हो गया तीसरा रामदूत अतुलित बरधामा ये तीसरा चरण हो गया चौथा अंजन पुत्र पवन सुतनामा ये आपका चौथा चरण हो गया अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले चरण में कितनी मात्राएँ हैं ठीक है देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह अर्थात ये कितनी मात्राएं यहाँ पर सोलह हैं ऐसे आप देखेंगे सोलह सोलह कुल मिला ये बत्तीस होंगी और इधर आपकी बत्तीस कुल मिला आपकी सोलह सोलह मात्राएं हैं और आपने सोलह सोलह मात्राएं किस में पढ़ा है आपकी चौपाई में पढ़ा है तो आपका ये उदाहरण कौन सा हो गया चौपाई हो गया याद रखिए चौपाई जो कि एक सममात्रिक छंद ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है चौपाई है क्या तो सममात्रिक छंद अर्थात तो ये जो आपका पहला है यहाँ पर इसे दूसरा है अर्थात तो जितने भी चार चरण है चारों चरण में बराबर बराबर मात्रा होती है इसलिए से सममात्रिक छंद कहते हैं सभी आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आपका जो हो गया इनमें से आपकी सोलह होती हैं ठीक है थीके? तो समझ में आया कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है इसमें चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएं होती हैं ठीक है ना चलिए अब दूसरा देखते हैं यहां पर दूसरा दिया है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार तो यहां पर देखते हैं अप मात्राएं गिनना कैसे है ठीक है यहां पर कौन सा है समझ लीजिए श्री अर्थात यहां पर दो मात्राएं गुरु की मतलब जो आपका यहाँ पर ये डबल मात्राएं चरण सरोज रज कुल मिला के यहां तक की जो मात्राएं हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कितनी ही त्यारह हैं तो हाल ये जो आगे की हैं वो हंड्रेड परसेंट आपकी ग्यारह होंगी फिर आपकी तेरह होंगी तो त्यारह जो आपकी आ रही हैं वो आपके किस में तो आपकी विषम में आ रही हैं तो विषम मात्राओं में अगर त्यारह तेरह मात्राएं आती हैं और आपके सम मात्राओं में ग्यारह मात्राएँ आती हैं तो ये आपका जो हो जाता है वो क्या होता है भाई आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका होता है दोहा ठीक है तो ये किसका है ये दोहा है ऑलरेडी आप हमेशा पढ़ते हैं ना श्री गुरु चरण सरोज रज ये आपका दोहा है समझ में आया ना दोहा क्या होता है इसको हमने यहां पर आपको बताया कि दोहा क्या होता है कि यह मातृग अर्धसम है और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में आपकी तेरह तेरह मात्राएं है होती हैं और आपकी जो द्वितीय और चतुर्थ होता है वहां पर आपकी ग्यारह ग्यारह मात्राएं है होती हैं ठीक है थीके? अभी आपको दिखा भी देंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया यहां पर कह रहा आपसे यहां पर कुंद इंदु सम ठीक है इसमें देखो चार चरण है एक ये हो गया एक यहाँ से हो गया एक ये और एक ये चार चरण इसमें भी है अब यहाँ पर देख लीजिए जो मात्राएँ आपकी हैं कुंद सम देदेह दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह यहाँ पर ग्यारह हैं तो आगे वाले गिनेंगे तो आपकी तेरह हो जाएंगी फिर आपकी यहाँ पर ग्यारह हो जाएंगी तेरह हो जाएंगी अर्थात जो अभी हमने पढ़ा हुआ ये उल्टा हो गया और आपके दोहे का उल्टा होता है सोरठा क्या होता है भाई सोरठा होता है दोहे का उल्टा तो ये आपका जो है वो आपका सोरठा है ठीक है सोरठा क्या होता है तो सोहा भी आपका जो होता है वो अर्धसम मात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होती हैं ठीक है और सम चरणों में आपकी तेरह तेरह मात्राएँ होती हैं ठीक है समझ में आ गया ना और ये आपका दोहे का उल्टा होता है इसलिए आपका ये सोरठा हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है आपसे कह रहा है आपसे नित नौ लीला ललित टानी गोलोक अजिर में ये आपका दिया है अब ये है क्या समझ लीजिए इसमें मात्राएं के लिए सबसे पहले इसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं यहाँ पर दो मात्राएं हो गई दो दो चार और चार चार आठ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस कुल तो के लगभग लगभग ये इसमें चौबीस निकल रही हैं ठीक है ठीके? सही से गिनो चौबीस आएंगी तो चौबीस मात्राएँ हैं और चौबीस मात्राएं आपके होती हैं रोला में किस में होती हैं भाई रोला में होती हैं और आपके ग्यारह और तेरह पर यति होती है ठीक है तो ये जो आपका उदाहरण है वो आ, मतलब दिया है वो आपका क्या है आपका ये रोला है ठीक है रोला है यहाँ पर इसका थ्योरी देख लीजिए समझ लीजिए और रोला क्या होता है तो यह मात्रिक सम है जिसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं तथा ग्यारह और तेरह पर आपकी यति होती है मतलब रुकना होता है ठीक है और प्रत्येक चरण के अंत में दो गुरु या दो लघु होते हैं ठीक है और दो दो चरणों में तुक आवश्यक है यहां पर एक पॉइंट है दो गुरु होंगे या तो आपके दो लघु होंगे जैसे आपको यहां पर दिख रहा था देखो ये देखो आपका गुरु लगा है लास्ट में यहाँ पर आपका लगा है क्या गुरु लगा है इससे भी पहचान आपकी हो जाती है तो आप समझ में आया कि रोला क्या है ठीक है रोला आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यह सब मात्रिक है प्रत्येक चरण में आपकी चौबीस मात्राएं है होती हैं थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई तभी आपको ये कंप्लीट होगा अभी आगे जब टेस्ट लगाएंगे तब तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा नेक्स्ट कह रहा है वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद मेजनु जनू ताड़ित बिहार अब यहाँ पर इसको देख लीजिए भाई इसको आपको मात्राएं पढ़ना पड़ेगा जब इसकी मात्राएं आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आपका क्या आएगा देख लीजिए आपका है दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह यहाँ पर देखो इतनी हो गई बारह ठीक है अब यहाँ पर है अगला देख हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात ये आपकी सात हैं अब देखो ये आपका अल, दूसरा चरण अलग चरण है ये दूसरा चरण है की ये भी चार चरण है और आपने पढ़ा होगा बरवय क्या पढ़ा है आपने बरवय बरवय क्या होता है तो ये आपका अर्ध सम है और इसके विषम चरणों में बारह और सम जो विषम चरण होते हैं उसमें बारह मात्राएं होती हैं और सम चरणों में सात होती हैं ठीक है थीके? देख लीजिए यहाँ पर इसको भी देख लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया है ताकि आपको दिक्कतें ना हो और पी के माध्यम से पढ़ सकते हैं यह मात्रिक अर्धसम है जिसके विषम चरणों में आपकी बारह मात्राएं है होती हैं और सम चरणों में सात मात्राएं होती हैं ठीक है ठेके? और प्रत्येक चरण के अंत में यत होती है सम चरणों के अंत में जगण तगड़ होने से बरवे की मिठास बढ़ जाती है ठीक है जगड़ तगड़ मतलब समझते हो लास्ट के वो जो वर्ण आपके हैं वो बिल्कुल लगभग आपके बराबर है बिहार और उदार ठीक है बिल्कुल सेम मात्राएँ होती इसलिए समझ में आ गया तो यह आपका क्या हो गया बरवे हो गया भाई इसको भी समझ लीजिए हम पहले बता देते हैं इसके बाद टेस्ट लगाएंगे अभी ठीक है और ये थोड़ा टॉपिक देखो लिंदी होता है ज़्यादा कोई पढ़ाता नहीं है सही से नेक्स्ट कराफ से कहते हुए यूं उतरा के नेत्र जल से भर गया हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए ये आपको दिया गया है ठीक है अब इसको भी आपको देखो लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो आपका है इसमें मात्रा गिनिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस कुल मिला कितनी है अट्ठाईस और आपने पढ़ा होगा हरि गीतिका क्या पढ़ा है आपने हरि गीतिका मतलब कि यह समात्रिक छंद है ठीक है और इसके प्रत्येक चरण में अट्ठाइस मात्राएँ होती हैं सोलह और बारह पर यति होती है अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है ठीक है लघु और गुरु का प्रयोग होता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका है क्या हर गीत का है तो इसको भी आप यहाँ पर आ, ऐसे पढ़ सकते हैं हमने यहाँ पर ले लिया सभी का तो यह मात्रिक समछंद है और प्रत्येक चरण में अट्ठाईस मात्राएँ हैं यती जो कि सोलह और बारह पर होती है ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि गीत का में कितनी मात्राएँ होती हैं दोहा में कितनी मात्रा होते हैं रोला में कितनी होती हैं ये कौन सा है ठीक है चलिए एक और आपको लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर दिया है जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में ठीक है ये उल्लाला की दो पंक्तियाँ यहाँ पर ऐसे चरण में होती हैं इसी जगह में ठीक है उल्लाला की दो पंक्ति जो कि ऐसे होती हैं अभी समझाते हैं आपको यहाँ पर मात्राएं गिन लीजिए क्योंकि मात्राओं का हमारा यहाँ पर प्रयोग हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर जहाँ स्वतंत्र अर्थात यहाँ पर जो मात्राएं हैं उनमें से आपकी कौन कौन है तो आपका यहाँ पर एक दो कुल मिला के देखा जाए तो कुल मिला के ये जो छप्पा है ये आपका है क्या ये छप्पय है ठीक है क्योंकि जो उल्लाला अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम जो चार चरण होते हैं रोला के होते हैं और अंतिम जो दो चरण होते हैं उल्लाला के होते हैं ठीक है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि छप्पे में उल्लाला के सम विसम चरणों का योग कुल मिला के देखा जाए तो त्यारह प्लस आपके पंद्रह होते हैं कुल मिला के अट्ठाइस होते हैं ठीक है इनको आपको जो दिया है वो आपका दिया है आपका छप्पे इसको देख लीजिए छप्पा है क्या तब आपको समझ में आएगा मात्राएं आप तो लगा सकते हैं बस इसके मतलब समझिए छप्पा यह मात्रिक विषम छंद है इसमें छह चरण होते हैं प्रथम चार चरण रोला के अंतिम दो चरण आपको उल्लाला के होते हैं ठीक है समझ में आएगा और छप्पा जो आपका बना है तो इसमें विषम चरणों का योग आपका पंद्रह प्लस आपका तेरह बराबर अट्ठाइस आपका हो जाएगा ठीक है यह आपका होता है छप्पा अब यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अगला उदाहरण है जो कि कुंडलियों से है हमने कुंडलियाँ में आपको ये भी पॉइंट बताया था कि कुंडलियाँ जो होती हैं हमेशा आपकी छः चरण होते हैं और पहला जो आपका ये वर्ड होता है और लास्ट वर्ड आपका सेम होता है तो देख के ही आप बता सकते हैं मात्रा गिनने की जरूरत नहीं है अगर फिर भी देखना है तो आप इसको हम आपको यहाँ पर थ्योरी बता देते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कुंडलियाँ देखिए क्या है यह मात्रिक विषम संयुक्त छंद है जिसमें छः चरण होते हैं प्रत्येक में एक दोहा और एक रोला होता है दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोले के अंत में आता है इस प्रकार कुंडलियों को प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से अंत भी होता है जो अभी हमने बताया था साई शब्द ठीक है थीके? तो ये जो आपका हो गया था वो आपका क्या हो गया भाई कुंडलियाँ हो गया तो कुंडली में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है जो देखना है वही आपको क्या है ये वाला साई और आपका पहला वाला साई अगर मेन है या मतलब इस प्रकार के शब्द बराबर मिल रहे हैं तो आपका हमेशा यहाँ पर आपका हो जाएगा कुंडलियाँ हो जाएगा ठीक है और अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर दिया है चौपाई देखो चौपाई हमने आपको बता ही दिए थे सोलह सोलह होते हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है अब यहाँ पर हमको जो सोरठा है सोरठा आपको बता दिया था ये भी आप यहाँ पर पी के उद्देश्य हमने यहाँ पर दे दिया है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप कर सकते हैं अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाए दस मिनट का समय लगाया है आप दस मिनट में देखते हैं कि आप लोगों को कुछ याद किया है या नहीं है ठीक है चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लय संग भक्ति मलाह करी आरूप सो ले आऊ उपरोक्त में से कौन सा छंद है कौन सा छंद है तो भाई कौन सा छंद है यहाँ पर देखना पड़ेगा मात्रा लगाना पड़ेगा अब देखो हम मात्रा लगा के आपको बताते हैं दो तीन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लय मतलब आपका डबल ठीक है फिर आपका यहाँ पर संग देखो ये बिंदी अर्थात ये डबल ग वाले में आपका सिंगल भा में अर्थात भा जो आपका है यहाँ पर आपको वो सिंगल हो जाएगा लेकिन ये वाला आपका डबल हो जाएगा ठीक है माँ आपका सिंगल ला आपका डबल इसके बाद हा आपका सिंगल का है जो का है शब्द वो आपका यहाँ पर सिंगल और री भी आपका सिंगल आरूप तो आरोप जो आपका है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा हो जाएगा आ और रू भी बड़ा हो जाएगा पा आपका सिंगल हो जाएगा ठीक है सो जो आपका है वो आपका यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा अर्थात डबल हो जाएगा ले भी आपकी एक ही मात्रा है भी डबल हो जाएगा आ बड़ा आए तो ये भी आपका डबल हो जाएगा और इसका ऊ जो आपका है वो आपका यहाँ पर सिंगल हो जाएगा कुल मिला के जब इनको हम लोग पढ़ेंगे तो ये मात्राएँ जो आपकी निकलेंगी दो, दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह हैं ठीक है कितनी हैं चौदह और ये जो मात्राएँ है आपकी हैं वो आपकी कितनी हैं बारह हैं ठीक है, है और ये जो आपका है वो आपका गीतिका है याद रखिएगा हमने ये पर इसको आपको बताया नहीं था लेकिन जिसमें से कुल मिला के छब्बीस मात्राएँ होती हैं वो आपकी गीतिका होती है यहाँ पर गीतिका ठीक है और हर गीतिका में 28 होती हैं समझ में है ना तो ये किसका उदाहरण था गीत ये का गीतिका का ठीक है अगर आपको पसंद आ रहा है लग रहा है कि नहीं अब थोड़ा बहुत कंप्लीट होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो लाइक जरूर करिए यहाँ पर देखो दिया गया है आपका यहाँ पर दिया जानकी जीवन को जन है जर जाऊ सो जीव जो जांचत और हैरी हमने आपको यहाँ पर सवैया नहीं बताया है ठीक है सवैया आपको नहीं बताया है तो सवैया वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि तो सवैया जो आपका है वो आपकी वर्डों को गिना जाता है सवैया में और जो सवैया होता है वो भी आप कह सकते हैं सम छंद होता है और जिसमें से बाईस से लेके आपके छब्बीस वर्ण होते हैं मतलब इनमें से वर्डों को गिना जाता है वर्ड मतलब कहीं समझते हैं ना तो जैसे जो आपका जा है एक वर्ण ना हो गया ये हो गया कुल मिला इस तरह से करते हैं तो सवैया इसमें है ठीक है और हम इसको अगले वीडियो में सवैया को पर्सनल आपको बता देंगे छोटा वीडियो बनाकर ठीक है तो आप सवैया से क्वेश्चन आप कर सकते हैं नेक्स्ट कर आपसे गुरु पद रज मंजुल मंजन मृद मंजन मंजुल मंजन नयन अमी द्रग दोष विभंजन तो भाई हमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं हमको मात्रा अगर लगा रहे हैं तो आंसर आपका आ सकता है ठीक है इस तेईस वाले में तो देखते हैं भाई तो यहाँ पर आपका सिंगल है देखो गुरु पद रज मृदु मन जो ल मन ज न ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितनी है सोलह है अगले भी आप लगा सकते हैं सोलह ए भी निकलेगा सोलह ए भी है सोलह ए भी है और सोलह सोलह मतलब चार चरण हो और सोलह सोलह मात्राएं हो वो आपका चौपाई होता है अभी हमने बताया था चौपाई में चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में सोलह सोलह मात्राएं होती हैं समझ में आ गया होगा ना चलिए नेक्स्ट कर आपसे सहज विलास हास देखो ये आपका जो है वो आपका बरवे है क्या भाई बरव है तो बरवे अभी हमने बता दिया था ठीक है और अगर आपको बरवे नहीं आता है तो हम नेक्स्ट पार्ट में बरवे और सवैया लेके ही आएंगे ठीक है तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है बरवे और सवैया वाले हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि मातृभूमि सी मातृभू है अन्य से तुलना नहीं उपरोक्त में से कौन सा छंद है ठीक है तो ये जो आपका छंद है इसमें से छप्पा का है ठीक है ये आपका किसका है छप्पा का लिया गया है और जो छप्पा है तो छप्पा को भी हम यहाँ पर कह सकते हैं वर्णों जब गिने जाते हैं ना ठीक है यहाँ पे छप्पा है तो छप्पा शायद हमने आपको नहीं बताया छप्पा जो छप्पा होता है तो इसमें भी आपका जो मात्रा है ये आपका मातृक भीषम छंद है इसमें छः चरण होते हैं प्रथम चार चरण रोला के होते हैं और अंतिम दो चरण होते हैं वो आपके उल्ला के होते हैं ठीक है कुल मिला के पंद्रह और आपके तेरह बराबर अट्ठाईस होते हैं इस प्रकार से बनते हैं जो भी हमने आपको बताया था ठीक है अच्छे से इसको बताएंगे समय इनको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जो आपने पढ़ा है इस वीडियो में उसी को हम सोल्व करेंगे बंदौ गुर पद कंज बंदौ गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी ठीक है ये दिया है अब यहाँ पर हमको मात्रा लगाना है ठीक है चलो मात्रा हम यहाँ पर लगाते हैं तो आपका बंदों गुर कंज देखो पढ़ने से एक शब्द निकला कि ये आपका उल्टा लग रहा है नहीं कर सकते हैं आपका यहाँ पर डबल हो जाएगा सिंगल हो जाएगा सिंगल हो जाएगा आपका यहाँ पर सिंगल हो जाएगा सिंगल हो जाएगा सिंगल सिंगल और आपका डबल और आपका यहाँ पर कह सकते हैं सिंगल और यहाँ पर देखते हैं तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है कुल मिला के यहाँ पर आपका जो निकलेगा वो आपका देखो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं छब्बीस वाले को ठीक है ये आपका सोरठा है ठीक है याद रखिए सोरठा है और सोठा कैसे देखो ये बंद वाले में है तो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह सही तो है ये आपका गलती ग्यारह मात्राएँ आपकी इन में है ठीक है ग्यारह मात्राएँ और ये आपका किसका है आपका सोरठा का है याद रखिए सोरठा है जो कि दोह का उल्टा होता है ठीक है देखो माता लगम गड़बड़ी हो सकती है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं एक को देख लीजिए दूसरे जल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सोरठा है ठीक है नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि राम राजन के राज आए यहाँ ठीक है तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा और ये भी आपका है सवैया ठीक है सवैया मतलब कि सवैया हमारा चौबीस वर्डों का होता है ठीक लग है लगभग बारह बारह होते हैं तो अब पढ़ सकते हैं वैसे वर्ण है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह है ना तो बारह वर्ण और हमने बताया कि बारह और बारह इसमें भी आपके होंगे कुल मिला के चौबीस वर्ण होते हैं वो आपके सवैया में होते हैं तो लगा भी सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर सवैया आपका है ठीक है नेक्स्ट आपका जो दिया है अट्ठाईस यहाँ पर अट्ठाईस नंबर ठीक है अट्ठाईस नंबर आपका जो दिया है वो आपका है यहाँ पर ब्रज की कुमारी का वे लीन है सुख सारिका ठीक है यहाँ पर अगर हम इनको वर्णों को गिनेंगे ठीक है यहाँ पर वर्णों को गिनेंगे यही तो बस दिक्कत होती है इसमें कि कहाँ पर वर्ड गिनना है कहाँ पर मात्रा गिनना है ठीक है तो यहाँ पर आपको वर्ड गिनेंगे देखो जो आपका ये है इनको वर्ण को गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये पंद्रह आपका है ठीक है और इसी प्रकार इसको हम गिनेंगे ठीक है तो कुल मिला के ये जो आपके बनेंगे लगभग बत्तीस वर्ण बनते हैं जो कि एक रूप घनाक्षरी बन जाता है ठीक है ये आपको हो जाता है घनाक्षरी इसका आंसर आपका ए हो जाएगा घनाक्षरी सब एक साथ हम नहीं बता सकते इस कारण हमने आपको इसको नहीं बताया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो उनतीस नंबर है कह रहा आपसे यहाँ पर कि मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ हरे यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ यहाँ पर भी आपको वर्डों को गिनना पड़ेगा देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये आपका ग्यारह है इसको भी देख लेंगे तो आपका ग्यारह ही निकलेगा इसको भी आप गिनेंगे तो आपका ग्यारह ही निकलेंगे, निकलेंगे। ग्यारा ग्यारा और इसकी भी आपके ग्यारह निकलेंगे ठीक है कोरोना के ग्यारह ग्यारह आपकी ये हैं और ग्यारह ग्यारह जो होती हैं आपकी उपेंद्र वज्रा में होती हैं किस है? में होती हैं उपेंद्र वज्र में होती हैं ठीक है थीके? तो कुछ जो क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं इनको हो सकता है तो नेक्स्ट पार्ट आपको लेंगे यहाँ पर आपके जो ग्यारह ग्यारह मात्रा हैं वो आपकी किसके हैं उप उपेंद्र वज्रा में हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं यहाँ पर दिया है पर सहसा यह रूप देख होता विस्मय ठीक है तीस वाले में तो यहाँ पर देखते हैं मात्राएँ गिनना शुरू करते हैं मेन काम है मात्राएँ गिनना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ और यहाँ पर आपका जो है नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस और आपका यहाँ पर डबल हो जाएगा ये आपका ऐसे चौबीस कुल मिला के ये चौबीस आपकी हैं ठीक है ठेके? और चौबीस मात्रा यहाँ है और इसके बाद और नीचे आएंगे ठीक है फिर इसके बाद जाएंगे तो ये आपका होता है रोला क्या होता है रोला और रोला हमने आपको बताया था कि रोला की पहचान क्या होती है रोला में आपकी जो होती हैं कुल मिला के होते हैं क्या होते हैं रोला में आपके होते हैं चौबीस क्या होते हैं यहाँ पर कह सकते हैं तो रोला में आपकी जो हमने बताया कि यह सम्मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में देखा जाए तो चौबीस मात्राएँ होती हैं ग्यारह और 11 पर आपकी यति होती है ठीक है तो यहाँ पर आपका है रोला हमने अभी आपको पढ़ाया था तो यहाँ पर आपको निकलेगा रोला निकलेगा ठीक है ये पर इतने में आपको यति निकल के आ जाएगी इसमें से ठीक है यहाँ पर देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह पे यह ये मतलब रुका गया ना कॉमा लगा है तो आपका ये आपका हो जाएगा कौन सा रूला हो जाएगा ठीक है देखो काफी टफ हो जाता है लेकिन अगर सामने से बोर्ड में पढ़ाया जाए तो बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं वीडियो में बहुत दिक्कतें होती है मात्राएं बताना ठीक है नेस्ट कर आपसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए उपरोक्त में से कौन आपका छंद है इकतीस में ठीक है तो ये भी आपका है हर गीत का है यहाँ पर आपको वर्डों को गिनना होगा जब वर्ड गिनेंगे तो आपके हर गीत का में आएंगे अट्ठाइस ठीक है हर गीत का नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर बत्तीस नंबर और बत्तीस में आपका है सवैया हम आपको नेक्स्ट पार्टी में सवैया जरूर बताएंगे नेक्स्ट कर आपसे मुँह हुई वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन ठीक है तैंतीस में और तैंतीस में जो आपका मूक हुई वाचाला भी उदाहरण हमने बताया था कि ये आपका सोरठा है क्या है आपका सोरठा अगर नहीं समझ में आए तो देख सकते हैं मूक मतलब आपका यहाँ पर मूक मतलब इसमें से हो जाएगा डबल सिंगल मतलब तीन यहाँ पर डबल और आपका सिंगल फिर आपका डबल डबल और आपका सिंगल देख लीजिए आपके ग्यारह मात्र निकल आएंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह आ गई ना तो आगे वाली हंड्रेड परसेंट तेरह होंगी फिर आपकी ये ग्यारह होंगी फिर आपकी तेरह होंगी तो ना ये आपका सोठा है ठीक है चौंतीस नंबर आपसे यहां पर कह रहा है कि चौंतीस आपको कुछ और नहीं युग लोचन में तो यहाँ पर आपका जो दिया है वो आपका है यहाँ पर आंसर आपका सवैया ठीक है अब सवैया है तो हमने बताया कि सवैया में आपकी छब्बीस वर्ड होते हैं तो देख सकते हैं इसको गिन के हमें क्या है ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस पच्चीस यहाँ पर आपका ये होगा छब्बीस बिंब वाले में डबल होगा तो किलोमीटर आखिर छब्बीस है छब्बीस वर्ण होते हैं आपके सवैया में ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं क्वेश्चन आपका दिया है मंगल बिंदु सुरंग ठीक है पैंतीस नंबर और पैंतीस नंबर में आप मात्रा अगर लगाएंगे तो आपका सोलठा ही यहाँ पर निकलेगा देख लीजिए चाहे मंगल में हमने बिंदी है तो आपका डबल फिर आपका सिंगल फिर सिंगल फिर बिंदु में आपका सिंगल आपका डबल फिर आपका यहाँ पर छोटा छोटाऊ की मात्रा सिंगल फिर डबल आपका फिर आपका सिंगल तो यहाँ पर आपका ये डबल है आपका ठीक है तो ये हो गए आपके चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह कितने आ गए ग्यारह आ गए ना और इधर आएंगे तो आपके त्यारह निकलेंगे इधर ग्यारह फिर इधर तेरह आपका ये सोलठा दिया गया है ठीक है इसमें से नेक्स्ट कर आपसे छत्तीस नंबर ठीक है कौन सा छत्तीस नंबर और छत्तीस नंबर में आपके ये है आपका यहाँ पर छत्तीस और छत्तीस में देख लीजिए जो आपका है ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि जो मनहरण होता है उसी को घनाक्षरी भी कहते हैं याद रखिएगा कि जो घनाक्षरी होता है मनहरण कहते हैं तो दोनों ऑप्शन में इस कारण से इसे आपको छोड़ देना है नेक्स्ट आपका सैंतीस नंबर है और यहाँ पर सैंतीस नंबर जो आपका है वो भी आपका सवैया है हमने सवैया बताया था कि छब्बीस वर्ण होते हैं ठीक है छब्बीस वर्ण देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस ठीक है चौबीस होते हैं यहाँ पर हमने आधा ये छोड़ दिया था ठीक है चाता वाले में ठीक है बराबर पहले गिन लिया था तो दिक्कत नहीं होती और एक यहाँ छोड़ दिया था कुल मिला आपके छब्बीस हो जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो दिया है अड़तीस नंबर ठीक है अड़तीस में तो अड़तीस में ये जो आपका है ये आपका छप्पा है ठीक है भाई ये छप्पा है लेकिन यहाँ पर छप्पे छप्पा है, है कि छः होते हैं हैं ठीक है ना छप्पे में आपकी छः है होते हैं जो हमने बता दिया था तो देखना हो तो देख सकते हैं ठीक है चलो उनता उनतालीस नंबर आपको यहाँ पर दिया है अगर आपसे शीश मुकुट कट काछनी शीश मुकुट कटि काछनी यहाँ पर आपकी कर मुरली उर्माल यहाँ पर आपसे उनतालीस है तो देखो यहाँ पर अगर मात्राएं है, हम गिनते हैं तो शीश मतलब डबल या सिंगल 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 डबल और आपका सिंगल और आपका डबल दो तीन चार पाँच और छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह देखो आपकी तेरह हैं ये आपकी ग्यारह होंगी ये आपकी तेरह होंगी ये आपकी ग्यारह होंगी और त्यारह और का अर्थरा जो होता है कि विषम विषम में जो होते है तो हैं त्यारा अर्थात वो होता है उनतालीस ए हो जाएगा ठीक है और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर चालीस है कह रहा आपसे नूतन मंगल पुर ठीक है मात्राएं गिन लीजिए तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर आपका डबल फिर आपका यहाँ पर डबल फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल फिर मंगल माँ में आपका हो जाएगा डबल फिर ग में हो जाएगा आपका सिंगल सिंगल पूर्व में आपका हो जाएगा सिंगल सिंगल माँ में हो जाएगा बड़ा वाला आपका तो ये हो जाएगा और ये दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कुल मिला के ये सोलह हैं इसको भी गिनेंगे आपकी सोलह आएंगी ये भी गिने सोलह आएंगे ये भी आएंगी सोलह अब सोलह सोलह मात्राएँ और आपका सम मात्रिक भी है सोलह मात्राएं हैं है। हमने आपको बताया था क्या बताया था कि जहाँ पर सममात्रिक मात्रिक हों और सोलह सोलह मात्राएं होते हैं उसमें कौन सा छंद होता है तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है हमने मात्राएं निकाल कर आपको दे दिया है देखो इतना आसान चैप्टर नहीं होता है अगर आप मात्राएं लगाना जानते हैं तो हाँ आसान हो सकता है ठीक है लेकिन अब देखा जाए कि घनाक्षरी वगैरह मतलब कह सकते हैं सवैया वगैरह तो उसका वीडियो इसी में बनाएंगे थोड़ा दिक्कत हो सकती थी लेकिन अब क्वेश्चन तो हमारे सीरियल में हमने इसलिए उठा के दे दिया है वैसे इनका जो ज़रूरत है सवैया वैया उनको नेक्स्ट वीडियो हम बता सकते हैं कि वर्णों को गिना जाता है यहाँ पर हम मात्राओं को गिन रहे थे उसमें वर्णों को गिना गिनते हैं ठीक है तो दोनों कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए हमने उनको छोड़ा दिया है समझ में आया ना इस प्रश्न का जवाब आपको देना है और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करना ठीक है और इतना अच्छा ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सामने से आपको पढ़ा भी नहीं रहे हैं सामने ये बोर्ड में पढ़ाया जाता है तभी बच्चे को समझ में पूर्णता आ जाता है क्योंकि काफ़ी टिपिकल हो जाता है ठीक है ना तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में इसके पहले भी हमने बहुत ही वीडियो बनाए तो उनको भी देख सकते हैं रात नौ बजे हिंदी फुल टेस्ट लगा सकते हैं ठीक है धन्यवाद जय हिंद जय भारत